और उसी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मेवल चौधरी ने अपने पद से परित्याग करके एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और लंबे काल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार सुशोभित हैं। नीतीश कुमार ने राजनीतिक शुचिता का, राजनीतिक पवित्रता का बराबर ध्यान रखा है और जब भी कोई ऐसा मौका आया, सार्वजनिक जीवन में कभी कभी विवादास्पद मुद्दे आते भी हैं, उसकी चर्चा भी होती है, तो जब भी कोई ऐसा मामला आया हो, चाहे माझी जी का मामला हो, चाहे आर्यन सिंह का मामला हो और ऐसे कोई भी मामला हो, आर्यन सिंह का, रामाधार सिंह का मामला हो, किसी मुद्दे पर जब भी पब्लिक डिबेट में इस ढंग का सवाल उठा है, तत्काल नैतिकता का परिचय देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है और सार्वजनिक जीवन के पद पर तब वो आए जब वो दोष मुक्त हो गए। मेवालाल चौधरी जी की चर्चा इधर आई है, लेकिन मुझको एक बात आश्चर्य इस बात का कि इस चर्चा पर विशेष रूप से तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव के बोलने का एक लगता है कि नैतिक पक्ष इसमें कहां सार्वजनिक जीवन की पवित्रता और उसकी ऊंचाई, उसकी सूचिता से उस पर भी उनको बोलने का अधिकार रह गया है। सार्वजनिक जीवन की सूचिता के लिए मामला तो बहुत बार होता है और इसका एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि लंबे काल तक विपक्ष के नेता भी रहे और विपक्ष के नेता की सार्वजनिक हैसियत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो जो स्वयं इसका पालन नहीं किया, स्वयं इस मर्यादा और किसी उच्च मापदंड का ख्याल नहीं किया और अभी भी लगातार बोलते जा रहे हैं, तो क्या उनको बोलने का अधिकार है क्या? क्या लोगों को यह बताने का कोशिश करेंगे कि जिस मुद्दे को उठा रहे हैं आने वाले समय में स्वयं एक आदर्श उपस्थित करेंगे क्या कि उसके पद के दायित्व को संभालने के लिए तैयार नहीं होंगे? तो कभी कभी चूंकि मेरे पास उदाहरण देश के अनेक हैं, विदेश के भी हैं, जबकि हम मानते हैं पहले से, लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण है, कई लोगों का उदाहरण है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई घटना के चलते उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने उच्च मापदंडों का प्रयोग करते हुए अपने पद से परित्याग कर दिया था। तो इसी ढंग से ये काम भी हुआ है और नीतीश कुमार ने तो पहले ही घोषित कर दिया कि जब पद ग्रहण तक करके कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी नीति रहेगी और इसी नीति पर करप्शन के खिलाफ चाहे इसी नीति पर हम चलते रहे और जो इस ढंग के आरोप भी सरकार में शामिल किसी व्यक्ति पर लगा तो उन्होंने उसी के अनुरूप आचरण का प्रयोग किया। तो हम लोग मानते हैं इस बात को और इसी आधार पर चलाया है और बिहार की जनता ने इस सवाल पर जो हम लोगों का स्टैंड रहा है उस पर समर्थन भी दिया है और चौथी बार, ऐसे तो सातवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, चौथी बार एक 5 अगस्त के केंद्रीय फिर सरकार बनाई गई। तो आप लोगों से ये भी हम कहेंगे और एक धन्यवाद भी देते हैं, चुनाव की समीक्षा भी आप लोगों ने लिखी है, चुनाव के दरमियान आप लोगों का विचार, आप लोगों की टिप्पणी देखने का मौका मिला है
तो उस बीच में बिहार में जब अस्पष्ट फैसला आ चुका है उसमें आप लोगों को रिपोर्टिंग बोल रही है, बहुत सार्थक रही है और ये अंत तक बिहार मीडिया ने बड़ा ही स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया। तो मैं यही मांग करने के लिए आया, हमने तो समय समय पर उदाहरण प्रस्तुत किया लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन लोगों ने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया, उनको अधिकार कहाँ है नैतिक प्रश्न को उठाने का और उनके द्वारा क्या औचित्य है जो स्वयं अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ, जो प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया, जिसके सक्सेसर है वो और जिस परिधि से वो आए हैं उसने कभी स्पष्ट नहीं किया और उसके बाद फिर उपदेश देना, कहीं अनेकों आरोप से घिरे हुए आदमी व्यक्ति जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगता है पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक की आंखें भी है, पब्लिक की कान भी होते हैं, इसलिए इस तरह उनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह के सवाल के ऊपर उठावे। तो मैं इतना ही करने के लिए, हमारा स्टैंड साफ है, हम जिस आधार पर चलते हैं, जिस नीति पर चल रहे हैं, जिस कार्यक्रम पर चलते हैं उसी पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलते रहेंगे और किसी को दोषी ठहराने में उपाय नहीं, किसी को जो गलत है उसको गलत उसकी सजा मिलेगी, न किसी को फंसाएंगे न किसी को मदद करने का प्रयास करेंगे। यह हम लोग का एक प्रचलित नीति है और इसी अगर सिद्धांत के ऊपर बिहार सरकार चल रही है।